हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड यस, आज मैं फिर से मैंने सोचा चलो आप सबको कुछ देवघर एयरपोर्ट के बारे में अपडेट दे दिया जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन वीडियो चाहिए तो आप देवघर ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वीडियो वहां पे अवेलेबल है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस किस कंपनियों ने कहाँ कहाँ एयरलाइन की सेवा देने के लिए इच्छा जताई है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे 3 एयरलाइंस कंपनी है जो कि अपना सेवा देगी, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और एयर एशिया। इंडिगो का अभी तक कुछ भी नहीं है, उन्होंने अभी तक अप्रोच नहीं किया है झारखंड सरकार को अपना सेवा देने के लिए। सो लेट्स सी वो लोग कब तक अप्रोच करेंगे झारखंड सरकार को, क्योंकि इंडिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपफुली बहुत जल्द वो लोग भी यहाँ पे सेवा शुरू कर देंगे। तो एयर इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के लिए सेवा देने का सोचा है एयर इंडिया ने। और उसके बाद आते हैं एयर एशिया पे, तो एयर एशिया ने चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई को सेवा देने का सोचा है। आफ्टर दैट स्पाइस जेट विल कनेक्ट टू दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी। तो ये 3 है एयरलाइन कंपनी जो अभी फिलहाल सेवा देगी देवघर एयरपोर्ट से। और देखते हैं उसके बाद इंडिगो भी बहुत जल्द आ जाएगी देवघर। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ओला उबर का फैसिलिटीज अभी है नहीं, बट एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद ओला उबर भी बहुत जल्द आने वाली है हमारी देवघर में, विच इज ए वेरी गुड थिंग फॉर वी देवघरियंस। तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बिकॉज ओला उबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है यार। अगर हमें कहीं जाना हो या किसी भी चीज के लिए, हमेशा हम लोग अपना बाइक या कार लेके जाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो ओला उबर एक बार आ जाए वो भी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलेगा सारी देवघर को। इनफैक्ट वो लोग सिर्फ देवघर ही नहीं, वो लोग कनेक्ट करेंगे जैसे कि आप ले लो दुमका, गिरिडीह, धनबाद फ्रॉम देवघर, मतलब देवघर से वो लोग सर्विस स्टार्ट करेंगे दुमका, गिरिडीह, धनबाद के लिए भी। तो ऐसा ही नहीं है सिर्फ ये विद इन देवघर ही सर्विस देगी, आउटसाइड ऑफ देवघर भी ओला उबर सर्विस देने वाली है। तो लेट्स सी कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अगर कंस्ट्रक्शन वीडियो चाहिए तो आप प्लीज जाके देवघर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, वो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन वीडियो लाते रहते हैं देवघर एयरपोर्ट के बारे में, एम्स के बारे में। इनफैक्ट एम्स का एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाला है उनके चैनल पे, जो आज तक आई डोंट थिंक सो किसी भी यूट्यूबर ने दिखाया होगा। तो बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएगा देवघर ब्लॉग्स पे देखने के लिए। आई मेक श्योर कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाओ चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उनके चैनल को भी सपोर्ट करो, एंड यस मेरे चैनल को तो करो ही गाइस। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, इस छोटो सा अपडेट के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तो प्लीज कर देना गाइस। एंड बहुत जल्द मैं फिर से एक और वीडियो के साथ आऊंगी, आइदर एम्स या देवघर। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।